तो अभी थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये जानना चाहेंगे जुनैन कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, लेकिन ओवरऑल एक चूंकि कई सब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो जो सब आपके जो एक्सपीरियंस रहा है, एग्जामिनर का फोकस किन सब्जेक्ट्स पे और किस तरह से ज़्यादा है, प्रिलिम्स के बारे में थोड़ा उसको हाईलाइट करिए। मैंने तो 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो आई हैव सीन कि कैसे कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। तो अगर हम देखें तो पिछले 14-15 का अटेम्प्ट जब मैंने देखा तो आर्ट एंड कल्चर पे बहुत फोकस था एग्जामिनर का, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उधर से आते थे। तो क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कहाँ से कवर करना है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, बुक्स ले लेते हैं। तो मैं जैसे मैंने बोला कि आपको स्टिक करना है जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, उसी अप्लाइड नॉलेज से आपको वहाँ सॉल्व करना है। तो मैंने NCERTs प्लस एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है कल्चरल की, वो पढ़ी थी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता था मैं अप्लाई करता था उस चीज़ को। इसी तरीके से बीच में फोकस था एनवायरनमेंट के ऊपर, तो रेड डेटा बुक और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ और इन सब के ऊपर काफ़ी UPSC का फोकस रहा था 2-3 सालों में। फिर बीच में रिपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी फोकस आया था, कौन सी रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही है। तो ये चेंज होता रहता ट्रेंड चेंज होता है। रहता है। अभी एक अगर UPSC एक एरिया से कभी ज़्यादा पूछ रहा है तो दूसरे एरिया से फिर ज़्यादा पूछता है, नेक्स्ट ईयर कुछ और चेंज कुछ हो और गया, चेंज होता है। बट तो आप ओवरऑल एक फोकस एप्लीकेशन बेस ज्यादा है क्वेश्चन का। एप्लीकेशन बेस, क्योंकि जैसे आप अगर एनवायरनमेंट देखें, साइंस एंड टेक देखें, तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इसमें बुक से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अप्लाइड पार्ट ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर इशू है एनवायरनमेंट से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, उस पर उसका फोकस रखें, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इंटरनेट पर चेक कर ले, वो इवेंट कैसा है, क्यों है, कब है। तो ये आपको वहाँ पर हेल्प करेगा सॉल्व करने में। और जो स्टैटिक पार्ट है सिलेबस का, पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, तो ये आप बेसिक बुक से कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक करंट और स्टैटिक का एक बैलेंस बना के चलेंगे, तो वो पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए आपको वो कम आएगा काम उसमें। आएगा। अब अगर इसे समराइज किया जाए तो हम पाते हैं कि प्रिलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए बदलते ट्रेंड को समझना जरूरी है। इस ट्रेंड को एक एस्पिरेंट तब नज़दीक से अनुभव करता है जब वह परीक्षा में सीरियसली शामिल होता है। पर आप उस समय क्या करेंगे जब प्रिलिम्स में पहली बार शामिल हो रहे हों? ठीक यही सवाल सक्सेस गुरु ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 20वां रैंक प्राप्त करने वाली नेहा बनर्जी से पूछा। जो प्री के स्टेज में कि टू मेक इट श्योर यू ज्वाइन द जॉब और जॉब के साथ आपने प्री दे दी और पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो कुछ बेसिक चीजें जो आपने अपनाया व्हिच यू वुड लाइक टू टेल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स कि आप उनको ध्यान रखना चाहिए सो दैट कि दे कैन बी श्योर ऑफ दैट, क्योंकि बड़ा कैबर एग्जाम भी बड़ा गैम्बलिंग हो जाती है, इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट प्री में नहीं हो पाता। तो वो कुछ टॉप 3-4-5 पॉइंट्स जो बताना चाहेंगे अटेंड वो जरा बताइए। सर एक्चुअली प्रीलिम्स के पहले, जैसे मैं ये मानती हूँ कि प्रीलिम्स के पहले ऐसे 2-3 महीने, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 2-2.5 महीने, अगर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है तो शायद 1-1.5 महीना। तो उसमें आप एक्सक्लूसिव सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर ये चीज एक काफी आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन कर देती है, क्योंकि जब आप कंबाइंड पढ़ रहे हो तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो कि प्रीलिम्स भी पढ़ रही हूँ, मेंस भी पढ़ रही हूँ, लेकिन जब प्री होता है तब ठीक है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाद में जाए, लेकिन अभी प्रीलिम्स है। सिविल सेवा परीक्षा की अपनी कलात्मकता है, कोई एस्पिरेंट पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाता है तो कोई अपने लास्ट अटेम्प्ट में सफल होता है। स्थिति तो यह भी होती है कि कभी कभी शुरुआती अटेम्प्ट में एस्पिरेंट का प्रिलिम्स भी नहीं होता है। ठीक इसी स्थिति का सामना ध्रुव खेड़िया ने किया था, जो शुरुआत के 2 प्रिलिम्स को क्लियर नहीं कर पाए थे, पर अंत में उन्होंने अंतिम रूप से सफलता प्राप्त की। आइए देखते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 में 72वां रैंक प्राप्त करने वाले ध्रुव खेड़िया से सक्सेस गुरु ने प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करें, इससे संबंधित क्या सवाल पूछे हैं।
तो कुछ बेसिक टिप्स जो प्री के लिए है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे चीजों को याद करें। बहुत सारे फैक्टर्स आता है, बहुत सारे, तो उसमें आपने कुछ खास स्ट्रेटेजी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के साथ जो प्री के लिए अडॉप्ट किया, चूंकि दो बार प्री आपका नहीं भी हुआ है ना, और फिर फाइनली आपका हुआ, तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बेसिक चीज बताइए उसमें जो है। सर प्रीलिम्स के लिए सर एक तो क्या पढ़ने के लिए, तो सर पहले तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जितने भी सब्जेक्ट्स की, उनको सर बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जितना नॉलेज है उसको आप जितना रिवाइज करेंगे वहां पे उतना अच्छे से आप रिकॉल कर सकते हैं। सेकेंडली चीज सर मैंने ये देखी है कि प्रीलिम्स में जो पेपर जिस तरह से डिजाइन होते हैं उसमें सर लोग ये करते हैं कि दे ओनली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जिनमें उनको बहुत अच्छे से आता है, बट वहां पे सर प्रैक्टिकली मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है और मेरे साथ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि एट मैक्स उन लोगों को 35-40 क्वेश्चन आते थे आउट ऑफ 100, बट स्टिल दे वर अटेम्प्टिंग अराउंड 80-85 क्वेश्चन। तो वहां पे जाके सर कई बार क्या होता है कि लोग प्रेशर में आ जाते हैं, बिकॉज सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रीलिम्स हैं वो काफी टफ हो जा रहे हैं, और उसके सर ऐसे रेमिफिकेशन हैं कि अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकालते हैं तो आपका पूरा साल वेट करना पड़ जाता है आपको, राइट। तो उस सेंस में सर प्रीलिम्स काफी ट्रिकी हो जाता है और बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स का जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, और जरूरी नहीं है कि आपको आएंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर जिन क्वेश्चंस में आपको नहीं आता है। इसके लिए सर मैंने दो चीजें की थी, पहले तो सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जितने पुराने हो सकते हैं उतने पुराने से पेपर सॉल्व किए थे, उससे सर मुझे ये पता चल गया था कि यूपीएससी किस एरिया से पूछ रहा है ज्यादा कुछ, कौन से उनके फेवरेट एरियाज हैं, ठीक है। और सर सेकंडली मैंने एक चीज ये की थी कि मैं एनालाइज कर रहा था कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जनरली सर उनके क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती है जो काफी सुनने में एक्सट्रीम लगती है, तो वो इसलिए दी जाती है कि सर हम उनको देख के थोड़ा लॉजिकली सोचे और हमें लगे कि इफ दिस स्टेटमेंट इज वेरी एक्सट्रीम तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये गलत हो। तो दिस इज हाउ आई वर्क ऑन माई एलिमिनेशन ट्रिक्स, जिन क्वेश्चंस में आई वाज नॉट श्योर आई वर्क ऑन माई एलिमिनेशन ट्रिक्स कि किन तरीके से मैं इनके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो सर ये जो दो चीजें थी आई वुड से कि दो चीजों ने प्रिपरेशन वाइज बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आए थे। और सर इसके अलावा एक थर्ड चीज जो मैंने ये की थी कि लोग वहां पे, क्योंकि सर 2 घंटे का एग्जाम होता है प्रीलिम्स और 2 घंटे में ही सर यू हैव टू परफॉर्म वेल, तो लोगों का हमेशा ये माइंड में रहता है कि वहां जाके होगा या नहीं होगा। तो आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे वहां पे अपने प्रिपरेशन के ऊपर, वहां पे सर दे विल बी मोर चांसेस कि आप रिस्क ज्यादा ले सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग वहां पे रिस्क नहीं लेते हैं, वहां पे 65-70 अटेम्प्ट करके आते हैं और उससे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो वहां पे आप रिस्क टेकिंग भी अच्छे से ले पाएंगे, काम रहेंगे, कामली एकदम पेपर लिखेंगे और अच्छा करके आएंगे। सर आपने 3 वीडियो क्लिप्स में प्रीलिम्स से संबंधित टॉपर्स की स्ट्रेटजी को देखा, प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करें इससे संबंधित इन 3 टॉपर्स की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिन बातों पर जोर दिया है वे हैं, पहला कि प्रीलिम्स में बदलते ट्रेंड को पहचानना जरूरी है, दूसरा एस्पिरेंट्स खुद को बेसिक बुक्स एवं स्टैंडर्ड बुक्स तक सीमित रखें और इनका रिवीजन बार बार करें, ज्यादा स्टडी मटेरियल्स जमा करने का कोई लाभ नहीं है, तीसरा पॉइंट तैयारी में हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड फोकस्ड रहना चाहिए, चौथा करंट अफेयर्स एवं स्टैटिक के बीच एक बेहतर बैलेंस बनाना जरूरी है, पांचवा प्रीलिम्स एग्जाम से पहले के कुछ महीनों में केवल प्रीलिम्स की ही तैयारी जरूरी है, छठा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना जरूरी है, सातवां एग्जामिनेशन हॉल में शांत रहें, तनाव को दूर करने की कोशिश करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में एलिमिनेशन ट्रिक को अपनाएं और सूझबूझ के साथ रिस्क लें। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे इस तरह के और वीडियो आते रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.